नर्मदा जयंती के अवसर पर नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा का उत्तर तट श्रद्धालुओं की आस्था के आगे छोटा पड़ गया। दूर दूर तक बस मां नर्मदा के भक्त ही नजर आ रहे थे। प्रवेश मार्ग से लेकर घाट तक केवल महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ही नजर आ रही थी। चारों ओर से केवल मातश्री नर्मदे हर एवं नर्मदाष्टक के स्वर ही सुनाई पड़ रहे थे। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां रेवा के पूजन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। भक्त नर्मदा का पूजन कर चुनरी अर्पित कर रहे थे, लेकिन जब दोपहर 12 बजे 108 दीपों से नर्मदा माई की महाआरती हुई तो मानो घाट पर मौजूद प्रत्येक भक्त मां रेवा के वंदन में हाथ उठाए खड़ा हो गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुआ। इस अवसर पर श्री छोटे सरकार की ओर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। छोटे सरकार ने दूरभाष पर श्रद्धालुओं को जयंती महोत्सव की बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान हजारों लीटर दूध से माताजी का अभिषेक किया गया। कई भक्तों ने नारियल और चुनरी भी अर्पित की। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती रही। तट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। समिति द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।